अभिषेक जुई रुख करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी में चोरी की वारदात पर लगाम लगती नहीं दिख रही। जयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने कांग्रेस नेता के ऑफिस को ही निशाना बना दिया। बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने इन्हीं नेता ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज के दफ्तर में मुंह पर मास्क लगाकर आए तो शातिर बदमाशों ने पहले चौकीदार को बेहोश किया और फिर एलईडी टीवी कंप्यूटर सहित अन्य सामग्री ले उड़े। राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी। राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लेटर लिखा है। लेटर में लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से कर्जा वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए। साथ ही सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी भी जताई। देश भर में पड़ रही गर्मी को लेकर आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में लगातार हीटवेव से भीषण हीटवेव जारी है। आने वाले दिनों में इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीटवेव जारी रहेगा। तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। झलावाड़ जिले के पड़ावा कस्बे में आज इलेक्ट्रिकल विजिलेंस टीम ने पूर्व मंत्री नफीस अहमद के घर में बिजली चोरी होते पकड़ी। ऐसे में मौके पर मौजूद डिस्कॉम अभियंता शंभु प्रसाद ने पूर्व मंत्री के घर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन काट दिया और वीसीआर भरकर 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुनिए शंभु प्रसाद ने क्या कुछ कहा। पूर्व राजस्थान मंत्री नफीस अहमद जी बार बार बिजली की शिकायत कर रहे थे। वो बिजली की शिकायत देखने गया उनके घर पर, बिजली में सर्विस लाइन में कट लगा करके अवैध रूप से बिजली की चोरी कर रहे थे, जिसका मौके पर जो है वीसीआर भरा गया। वह जो है वीसीआर के अनुरूप 1,25,000 की पेनाल्टी निर्धारित की गई। उपकरण में मीटर व सर्विस लाइन हटा करके कनेक्शन को काट दिया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री रोड़ीलाल मीना ने 20 मई को फिर चिट्ठी लिखी। अब अपने नए पत्र में राजस्थान के राज्य भंडार निगम पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके पहले उन्होंने 14 मई को चिट्ठी लिखी थी। जयपुर के गांधीनगर इलाके में पीपीपी मोड़ पर बन रहे बिल्डिंग को लेकर मंत्री मीना ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की बात कही थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर सीएम को फाइल वापस लेने की बात कही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों से होकर आ रहा हूं। हर जगह भाजपा को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार आरोपी भीवक कुमार को दिल्ली पुलिस सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर लेकर गई, जब पुलिस ने भीवक कुमार के साथ सीन रिक्रिएट किया। बता दें, अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी भीवक कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भीवक कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य हिरासत में चल रहे अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई। सुनवाई की अगली तारीख 31 मई तय की गई है। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और अन्य दल हमलावर हैं। इस बीच जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रज्वल रेवन्ना से अपील करता हूं कि वह कर्नाटक वापस आए और जांच का सामना करें। यदि आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं, देश वापस आकर इस स्थिति का सामना करें। पंजाब में बड़ा भाजपा का कुनबा, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता जगबीर सिंह बराड़ ने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी और पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्हें पार्टी की नीतियां प्रधानमंत्री के फैसलों ने प्रभावित किया, इसलिए भाजपा ज्वाइन करने का फैसला लिया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सत्तर रूबरू होंगे। शुक्रिया।